दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके भी हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स आपको बताएगा कि कौन से स्टॉक में किस समय पे स्विंग ट्रेड की बाई या सेल पोजीशन लेनी है, और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल कैसे और कब करना है। तो जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, स्टॉक फॉर रिटेल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपके पास अगर लाता हूं तो वो आपको बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं। ये करीब 70-30 रेशियो में काम करता है, तो इसका जो बेनिफिट में होता है वो कहूँगा कि 70% तक ये काम करता है। तो गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करने के लिए आपको trends.google.com की वेबसाइट पे जाना है, जो कि गूगल की वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे, और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कंट्रीज इंडिया सेलेक्ट करनी है, और कैटेगरीज ऑल कैटेगरीज सेलेक्ट कर लीजिए, और वेब सर्च आपको सेलेक्ट करना है, और इसमें जो है आपको सर्च करना है शेयर प्राइस या विच स्टॉक्स टू बाई टुडे, या ऐसे स्ट्रिंग को लेके आपको सर्च करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी हम गूगल की वेबसाइट पे सर्च करते हैं ट्रेंड्स में किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी स्टॉक्स मार्केट से रिलेटेड जानकारी के बारे में। तो गूगल ट्रेंड्स क्या करता है कि वो उस समय या उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो हम सेलेक्ट किए रहते हैं उसमें हो रहे सर्चेज के पैटर्न्स को इकट्ठा करता है और हमारे पास वो जानकारी प्रेजेंट करता है। कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सर्च किया शेयर प्राइस के बारे में, और यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर, DHFL, रिलायंस, इंफोसिस, BSE, रिलायंस के शेयर फिर से, तो ये इस तरह की रिलेटेड क्वेरीज भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से स्टॉक के बारे में हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी है। तो यहाँ पे ये भी बता दूँ कि टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। गूगल ट्रेंड्स के द्वारा बताए गए स्टॉक्स के बाद हमें उन स्टॉक्स पे टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है, और हम यहाँ पे RSI का ही इस्तेमाल करेंगे ये पता करने के लिए उसमें हमें बाई पोजीशन लेनी है या सेल पोजीशन लेनी है। आप अभी चार्ट में देख सकते हैं KPIT का स्टॉक प्राइस जो इसका चार्ट है, तो इसमें हालांकि ये गूगल ट्रेंड्स में आ रहा है, लेकिन ये गूगल ट्रेंड्स में किन वजहों से आ रहा है उसका भी रीज़न कुछ और हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें और RSI, तो ये ओवरबॉट जोन में जा रहा है और यहाँ से इसके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम बाई की बजाय इसको सेल के लिए या शॉर्ट के लिए हम जा सकते हैं। दोस्तों, इस पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका इस्तेमाल जो है हम इंट्राडे में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम स्टॉक्स टू बाई का सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि पिछले एक घंटे का रिकॉर्ड क्या है, ये सुबह के टाइम का है जो सर्च कर रहे हैं हम, तो हमें जो है ट्रेंड नहीं मिलता है। और इवन हम शेयर प्राइस के बारे में भी सर्च कर लें पास्ट आवर में, तो हालांकि क्या होता है कि इसमें एक ही घंटे का आपको पिछला ट्रेंडिंग जो सर्चेज है वो दिखा सकता है गूगल। तो हम इसे इंट्राडे में इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल केवल हम स्विंग ट्रेड में ही करेंगे। तो अगर हम इसमें एक दिन का टाइमलाइन लेके सर्च करते हैं गूगल ट्रेंड्स में, तो हम देख सकते हैं कि यूफ्लेक्स, केशोराम, ट्राइडेंट, फिर से KPIT हमने देखा, KEI, CG पावर, तो ये सारे जो है पिछले एक दिन से ट्रेंडिंग पे चल रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले बना रखा है, तो आपको आज के ट्रेंडिंग सर्चेज में हो सकता है ये शेयर्स ना दिखें। तो हम इसे जो है इसकी केशोराम की जो है टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इसके बेसिस पे, और देखते हैं कि ये इसमें हमें सेल पोजीशन लेनी चाहिए थी या बाई पोजीशन लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करें केशोराम इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में, तो इसका देख सकते हैं कि 97 रुपये के करीब इसका शेयर प्राइस था, और इसका जो RSI है वो ओवरबॉट दिखा रहा था। तो इस जोन के बाद जो है हम इसको शॉर्ट करते, यानी कि इसमें सेल पोजीशन लेने की कोशिश करते, और जैसा कि आप देख रहे हैं एक दिन के चार्ट पे ये टेक्निकल एनालिसिस हम देख सकते हैं यहाँ पे, और ये एक घंटे की टेक्निकल एनालिसिस भी देखें तो ओवरऑल दिखाता है कि ये जो है सेलिंग जोन में जाने के लिए तैयार था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इसका RSI है वो डाउन ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा था।
तो अगर हम आज की डेट में केशोराम इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस देखें तो ये 83 रुपये के करीब आ चुका है, जो कि हमारे अगर इस स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते, सेल कॉल लेते, तो ये बहुत ही अच्छा हमें प्रॉफिट दे के जाता। तो आप भी गूगल ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए आप स्टॉक्स का चयन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस आपको करना बहुत ही ज़रूरी रहता है और RSI का इस्तेमाल करके आप ये पता कर सकते हैं कि आप सेल कॉल लें या बाई कॉल लें। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।